आज बारामूला टाउन में जो है कश्मीरी पंडित भाइयों ने जो है एक जन्माष्टमी के मुहूर्त पर पंडित कॉलोनी वीरवन से लेकर रघुनाथ मंदिर टाउन बारामूला की तरफ एक झांकी का आयोजन किया था। ये झांकी जो है बड़े ही खूबसूरती के साथ, बड़े ही जोश खरोश के साथ निकाली गई। इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ने शिरकत की और बहुत ही भक्तिमय वातावरण में जो है ये झांकी का आयोजन किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि बारामूला के तमाम लोगों ने, वो किसी भी मज़हब के हो, सब ने जो है इस झांकी का खैर मकदम किया, अपने अपने तरीके से उसको मुबारकबाद दी। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर दुकानदारों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, आम शहरियों ने जो है पानी का स्टॉल, जूस का स्टॉल, फल डिस्ट्रीब्यूट किए और इस तरीके से जो है आज बारामूला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है एक इत्तेहाद का मंजर जो है हमें देखने के लिए मिला। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। हमें बारामूला पुलिस को इस बात पे फ़ख्र है कि इनके इस सारे आयोजन में जो है हम भी अपना छोटा मोटा जो है किरदार निभा पाए और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये भाईचारा, ये मोहब्बत बारामूला के लोगों में, कश्मीर के लोगों में ऐसे ही पनपती रहे और इसमें और इजाफा होता रहे। शुक्रिया। सारे मिलकर यहाँ बारामूला में मना रहे हैं। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जो द्वापर युग में मथुरा में उन्होंने अवतार लिया था, तो आज वही दिन हम सारे बारामूला के हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलके इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास और बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ बारामूला के तमाम आवाम का, बाशूर आवाम का, जीशूर आवाम का, जिन्होंने हमें इस त्यौहार को मनाने में हमारी पूरी मदद की और हमारे साथ साथ रहे, हर जगह फल फ्रूट पानी कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल लगाए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतिहास जिंदाबाद। पहले भी बोल चुका, लास्ट टाइम भी हमने गणपति विसर्जन का यहाँ पे प्रोग्राम इनका किया था और बड़ी खुशी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और आज हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से भी हम दुआ करते हैं कि यहाँ पे अमन, भाईचारा, खुशी का माहौल पैदा हो। तो और उसमें हम सबको मेहनत करनी है, मिलजुल के रहना है। जिस तरह से आज हमने देखा, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने तरह तरह के स्टॉल्स लगाए थे।